और मैं अभी चाहूँगा कि थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो कि हमारे यहाँ लंदन के बहुत ही सरगर्म रुके हैं हमारे अपना अमजद खान साहब और खालिद फारूक जी। मैं ये कहता हूँ कि ये जो 23 मार्च का इवेंट है इसमें हम जो है मंशूर पेश करने जा रहे हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मंशूर होगा और उस मंशूर बेस पे हम जो है पूरे मुल्क की NA1 से लेकर 275 तक को कॉन्टेस्ट करेंगे। एक बंदा नहीं आएगा, जात नहीं आएगी, बरादरी नहीं आएगी, मंशूर आएगा। और हमारा मंशूर है कि हमने इलेक्शन में नहीं जाना, हमने मुल्क को डेवलप करना है। हम स्टेटस मैन है, हम नेशनल बिल्डिंग में जा रहे हैं, कंट्री बिल्डिंग में जा रहे हैं। और ये कंट्री बिल्डिंग है इसमें मंशूर के थ्रू जा रहे हैं और हमारे मंशूर पर हर कैंडिडेट जीतेगा। जिस तरह ये कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ जो हैं हर बंदे ने अपने कंट्रोल में रखी होती हैं। हम कहते हैं अगर लोग व वोटर जो है वो मंशूर को अडॉप्ट करें और कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ जो मंशूर के बेस पे जाएं और मंशूर की बेस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लोगों को, नौजवानों को, नई क्यादत को लेके जो नई लीडरशिप इमर्ज हुई है मीनारे पाकिस्तान से बढ़ेगी और यहाँ से हमारी ऑफिशियल इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी। आपके ख्याल में PTI में कुछ मैनेजमेंट चल रही थी, कुछ मिसमैनेजमेंट चल रही थी और प्रॉब्लम यहाँ भी आई है और वहाँ भी आई है, तो इलेक्शन से पहले आप ये समझ रहे एवरीथिंग इज फाइन? जी हाँ, ब्यूरोक्रेसी जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। ब्यूरोक्रेसी जो है पार्टी में भी आ रही है लेकिन हमने रेवोल्यूशन विंग को जो है वो हमने कहा हुआ है कि रेवोल्यूशन विंग ब्यूरोक्रेसी में नहीं उलझेगा। रेवोल्यूशन विंग जो है वो 90 डेज में जो खान साहब का विजन है उसके अंदर हम रेवोल्यूशनाइज करेंगे और मंशूर के ऊपर सियासत करते हुए पर्सनैलिटियों के बुत पाश पाश कर देंगे और यहाँ पर नई लीडरशिप जो आएगी ये नई लीडरशिप मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी और पाकिस्तान में पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है एक अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और ये नेक्स्ट गवर्नमेंट मंशूर के ऊपर फॉर्म करेगी।